नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हिंदी आलोचना के ऊपर जो मेरे लेक्चर्स हैं उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और बहुत ज़्यादा उसको प्यार भी दिया है, तो आशा करता हूँ कि यह लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत गहराई तक जाकर किसी भी सब्जेक्ट को समझाता हूँ, किसी भी टॉपिक को, तो आपसे अनुरोध है कि आप शुरू से अंत तक इसे जरूर देखें। और इसको देखने के बाद मेरा यह विश्वास है कि आपको किसी और किताब को पढ़ने या फिर कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कंटेंट है आज, ये आपके लिए पूरी तरह से पर्याप्त होगा किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। सबसे पहले थोड़ा उनके जीवन के बारे में भी देख लेते हैं कि इतने महान व्यक्तित्व का जीवन कैसा रहा। चलिए देखते हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में जन्मे, काशी में शिक्षित हुए तथा शांति निकेतन चंडीगढ़ और काशी में अध्यापन करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूलतः साहित्य इतिहासकार, आलोचक और अनुसंधानकर्ता है। मतलब इनके व्यक्तित्व के बहुत रूप है। तो इनका जन्म हुआ था बलिया जिला उत्तर प्रदेश में और इनके गांव का नाम था आरत दुबे का छपरा, थोड़ा अलग टाइप का नाम है। और काशी मतलब बनारस में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और शांति निकेतन चंडीगढ़ और काशी में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था, मतलब पढ़ाया था, शिक्षक रहे होंगे। और इनका जीवन काल है 1907 से लेकर 1979 तक। मूल रूप से ये साहित्य के इतिहास लेखक हैं, आलोचक हैं और अनुसंधानकर्ता हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। उन्होंने साहित्य को सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर देखा है, मतलब साहित्य को उन्होंने देखा कि हमारी सांस्कृतिक चेतना कैसी थी, संस्कृति के प्रति हमारी समझबूझ कैसी थी, इस स्तर पर उन्होंने देखा। इसी दृष्टि से उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ लिखे हैं और उनके माध्यम से उन्होंने शुक्ल जी के बाद की हिंदी आलोचना को किसी हद तक प्रभावित भी किया है। ये शुक्लोत्तर आलोचना का प्रतिनिधित्व करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ लिखे हैं जो हम आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य कोश नाम की एक किताब है जिसमें साहित्यकारों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है, यद्यपि मूलतः द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक हैं, फिर भी साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा में देखने पर बल देकर द्विवेदी जी ने हिंदी समीक्षा को एक नई दिशा दी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, वो उसी परंपरा के आलोचक हैं जिस परंपरा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दृष्टिकोण था लगभग वैसा ही दृष्टिकोण भी इनका है, लेकिन इन्होंने साहित्य को किस प्रकार देखा है, निरंतर बहती हुई जो धारा होती है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता, मतलब साहित्य का जो इतिहास है वह एक नदी की तरह प्रवाहित हो रही है जिसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है, कहीं कोई अवरोध, कोई रुकावट नहीं है। तो इस तरह उन्होंने देखा है कि जो साहित्य है वह निरंतर प्रवाहमान जल की तरह प्रवाहित हो रही है, और इस प्रकार उन्होंने हिंदी समीक्षा को एक नई दिशा दी है। कुछ बातें मेरी कठिन लगती होंगी, लेकिन आपको क्या है, मैं कहता हूं बार बार आप डिक्शनरी देखा करिए। मैं डिक्शनरी का लिंक भी नीचे डालता हूं कि डिक्शनरी देखिए, पढ़िए। तो अगर आप हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा छात्र बनना चाहते हैं या फिर आगे प्राध्यापक बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य के छात्र के पास एक बहुत अच्छा शब्दकोश अवश्य होना चाहिए। तभी जैसे यहां अविच्छिन्न लिखा है, अविच्छिन्न मतलब कंटिन्यूअस, निरंतर, तो इस टाइप की बातें आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी हैं? कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। और इन्होंने इन किताबों का संपादन भी किया है, नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, दश रूपक आदि किताबों का इन्होंने अध्ययन किया है। उनकी आलोचना दृष्टि किस प्रकार से निर्मित हुई देखते हैं। द्विवेदी जी किसी कृति की आलोचना उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में रखकर ही करने के पक्षधर हैं। वे कहते हैं कि कवि को
पूर्ववर्ती समसामयिक कवियों की तुलना में न रखकर देखने का अर्थ है कि हम मानते हैं कि संसार में कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाएं वर्तमान घटनाओं को रूप देती रहती हैं। इसलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य वस्तु का हमें स्वरूप निर्णय करना हो उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। तो इनका कहना है जब वो किसी कृति की आलोचना करते हैं तो उस कृति की समीक्षा और आलोचना वे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करते हैं या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है और साहित्य में क्या है समाज प्रतिबिंबित होता है। इसलिए आज जो होने वाली घटनाएं हैं वे हमारी पहले की घटनाओं पर आधारित है। जैसे हमारा देश पहले परतंत्र था, बाद में हमारा देश आजाद हो गया, तो आज जो साहित्य लिखा जा रहा है किसी न किसी प्रकार से वह हमारे भूतकाल से संबंधित है, और आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके बाद जो आने वाले समय में जो साहित्य लिखा जाएगा वो भी किसी न किसी प्रकार हमारे आज के साहित्य आज के परिस्थिति सामाजिक धार्मिक राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित रहेगा। इस प्रकार संसार की कोई भी घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती बल्कि अपने से पहले जो घटना हुई है उससे भी संबंधित रहती है और आज जो घटना घट रही है उसके बाद जो घटना घटेगी उससे भी वह संबंधित रहती है। तो इस बार समझ सकते हैं कि जो वर्तमान होता है वह भूतकाल से भी प्रभावित होता है और वह अपने भविष्य को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम जब किसी कृति की आलोचना करते हैं तो उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को भी देखना बहुत ही जरूरी है, यह उनका मानना है। अब आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है जिसमें साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा, अविच्छिन्न मतलब कंटिन्यूस चलने वाला जो ट्रेडिशन है परंपरा, तथा उसमें प्रतिफलित क्रिया प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा गया है। मतलब निरंतर चलने वाली परंपरा है साहित्य और उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, लोगों पर, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्रिया होती है उसके आधार पर, इसके आधार पर उन्होंने साहित्य की समीक्षा को देखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मतलब अपने फक्कड़ व्यक्तित्व, घर फूक मस्ती और क्रांतिकारी विचारधारा के कारण कबीर ने उन्हें विशेष आकृष्ट किया है। ऐसा माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के प्रति न्याय नहीं कर पाए क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं, और तुलसीदास जी के आधार पर उन्होंने बाकी कवियों का उसको मानक बनाकर बाकी कवियों का उन्होंने मूल्यांकन किया। तो आज विद्वान आलोचक ऐसा मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साथ न्याय नहीं किया, तो इसलिए कबीर ने ऐसे क्रांतिकारी और महान व्यक्तित्व हुए हैं कबीर, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत ज्यादा पसंद है और इन्होंने कबीर करके इनकी आलोचना भी की है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, ये बहुत सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर का व्यक्तित्व कैसा था, फक्कड़ व्यक्तित्व, मतलब कहीं भी घूमते फिरते रहना, किसी से नहीं डरना, निर्भीक रहना, घर फूक मस्ती, मतलब किसी बात की चिंता नहीं थी कि वह हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध कुछ कह रहे हैं कि उनके घर को जला दिया जाएगा, अपने घर को जलाकर तमाशा देखने वाले थे, क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतीक थे। मतलब कबीर जैसा व्यक्ति तो आज तक हिंदी साहित्य में कोई पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने क्या लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास, है ना। तो मतलब ये इतने महान थे, इनकी महानता की तुलना सिर्फ किससे की जा सकती है, तुलसीदास जी से, क्योंकि हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसा महान व्यक्ति तो आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं कितने महान थे कबीरदास जी। तो उनके महत्व के प्रतिपादन में, उनके महत्व को लोगों के सामने लाने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा हम आज कबीर को जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात समझ सकते हैं कि कितने महान आलोचक हैं। कबीर पुस्तक में उन्होंने जिस सांस्कृतिक परंपरा, समसामयिक वातावरण और नवीन मूल्यों के सतत चिंतन का उद्घाटन किया है वह उनकी उत्कृष्ट समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय देता है। तो जो कबीर की ये जो इन्होंने आलोचना लिखी है, कबीर करके जो किताब लिखी है, यह उनका जो आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसका हमको परिचय देता है, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक परंपरा के ऊपर चिंतन किया है कि किस सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित थे कबीर, कबीरदास जी का चिंतन कैसा था, उस समय का वातावरण कैसा था कबीरदास जी के समय में, और उन्होंने जो मूल्य दिए हैं वे आज भी नवीन है। कबीरदास जी ने जो संदेश दिया है, जो जीवन मूल्य दिए हैं, वे आज भी हमारे लिए उतने ही मूल्यवान हैं जो उस समय मूल्यवान थे मध्यकाल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को
कबीर के भक्त रूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के भक्त रूप को अधिक महत्व दिया है, समाज सुधारक रूप को दूसरे दर्जे पर रखा है। इसके बावजूद भी वे कबीर को एक भक्त के रूप में ज्यादा महत्व देते हैं और समाज सुधारक के रूप में उनको दूसरा दर्जा देते हैं। मतलब प्रथम स्थान उन्होंने दिया है उनके भक्त रूप को कि कबीर एक भक्त थे, संत कवि थे। इसका कारण यह है कि द्विवेदी जी के चिंतन में भक्ति का महत्व अधिक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उस परंपरा से आते हैं जिसमें उन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया है। वे पारिवारिकता, सामाजिकता, वैयक्तिक सुख, सार्थकता और सदाचार के लिए भक्ति भावना को बहुमूल्य मानते हैं। मतलब भक्ति भावना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसमें पारिवारिकता होती है। मतलब परिवार सहित लोग भक्त हो सकते हैं, पारिवारिकता का निर्वाह होता है ना। समाज में एक मर्यादा बनी रहती है भक्ति के कारण, सामाजिकता बनी रहती है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं भक्ति के कारण, धर्म के कारण, और वैयक्तिक सुख दुख में एक दूसरे के साथ साथ में आते हैं, है ना। तो भक्ति के कारण यह सब होता है। जैसे किसी के यहाँ भागवत श्रीमद भागवत पुराण हो रहा है तो वहां पर हम सब जाकर सुनते हैं, बैठते हैं, या अन्य धर्मों में लोग जाते हैं उनके यहाँ, अलग अलग धर्मों में अपने अपने धर्म के हिसाब से जो भी होते हैं, तो वहां पर जाके घुलते मिलते हैं भक्ति के कारण। और सदाचार भक्ति भावना के कारण ही लोगों में सदाचार की भावना जन्म लेती है, चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय को बिलोंग करते हो उसमें हो। तो मध्य युग में क्या था? मध्य युग में भक्ति मेल मिलाप का मुख्य आधार थी। और ये भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, मतलब हिंदी साहित्य के काल विभाजन में चार भागों में विभाजित किया है। तो 1050 से 1375 संवत तक क्या है? आदिकाल या वीरगाथा काल है। और 1375 से 1700 तक क्या है? भक्ति काल है, जिसे मध्य युग भी कहा गया है। तो मध्य युग में भक्ति मेल मिलाप का मुख्य आधार थी, मतलब लोग आपस में मिलते जुलते थे। किसके कारण? भक्ति के कारण, भक्ति भावना थी, आपस में घुलते मिलते थे। नाथों, सिद्धों और सूफी साधकों के परस्पर मेल से यह मेल मिलाप धर्म दर्शनों और संप्रदायों का ही नहीं था, इसका वास्तविक आधार भारत की व्यवस्था थी। तो उस समय जो लोग आपस में घुलते मिलते थे उसका कारण सिर्फ धार्मिक और सांप्रदायिक नहीं था इस मेल मिलाप का कारण, बल्कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी यह भी एक प्रमुख कारण था कि भक्ति भावना से प्रेरित होकर लोग आपस में मिलते जुलते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था ने जिन लोगों को दबा रखा था वे इसमें शामिल थे। तो जो भक्त कवि हुए, जैसे तुलसीदास, जैसे कबीरदास जी थे, कबीरदास जी जुलाहा संप्रदाय से आते थे, जुलाहा धर्म से आते थे। उनके नीरू और नीमा नाम के उनके जो माता पिता थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वास्तविक माता पिता नहीं थे, वे उनके पालन करता थे, वे जुलाहे थे, जो मुसलमान संप्रदाय से आते थे, मुसलमान थे उनके माता पिता, है ना, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो उस समय भारत की उस तरह की वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्णाश्रम व्यवस्था ने कुछ लोगों को दबा रखा था, जैसे शूद्र वगैरह हैं। पर निर्गुण भक्ति परंपरा और कविता में अधिकांश दलित वर्ग के लोगों का होना कारण नहीं था। तो आपने देखा होगा जितने निर्गुण भक्ति, निर्गुण जितने भी कवि हुए हैं निर्गुण भक्ति धारा के, वे प्राय किससे आते हैं? दलित वर्ग से आते हैं, जैसे रैदास है या फिर कबीरदास जी स्वयं है। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं निर्गुण भक्ति धारक है जो दलित वर्ग से आते थे। तो इसका कोई कारण नहीं था, इसके पीछे यही कारण था। तो द्विवेदी जी की पहली दृष्टि वहां तक भली भांति पहुंची थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर चिंतन किया और पाया कि निर्गुण भक्ति धारा में अधिकांश दलित संप्रदाय के या शुद्ध संप्रदाय के कवि थे। तो यह उनकी आलोचना दृष्टि का प्रमाण है। और आज मैं जो भी आपको बता रहा हूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दृष्टिकोण है, इसमें मेरा कोई दृष्टिकोण शामिल नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहा तो उनके हिसाब से बात करूंगा, अगर मैं मनोविश्लेषण बात कर रहा हूं तो फ्रायड के हिसाब से बात करूंगा, ठीक है ना। तुलसीदास जी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो उनके दृष्टिकोण को सामने लाऊंगा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जब बात करूंगा तो उनका दृष्टिकोण आपके सामने में रखूंगा, लेकिन मैं तटस्थ रहता हूं, ठीक है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो एक, मतलब मैं तो तटस्थ रहता हूं, मैं किसी विचारधारा के ऊपर प्रेरित नहीं रहता, ठीक है, प्रभावित। आचार्य द्विवेदी जो है संस्कृत भाषा साहित्य तथा काव्य शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान था, संस्कृत साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान था, प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो उनकी जो पुस्तक है प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, उनकी सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि का परिचय मिलता है। सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि मतलब साहित्य को हमेशा सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। उसमें रस, छंद, अलंकार, रसग्राहिता जिसको बोलते हैं, रस को ग्रहण करना, तो इसमें इनकी सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि का परिचय मिलता है। उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत को आचार्य भरत मुनि से लेकर
पंडित राज जगन्नाथ तक उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा था। तो भारतीय काव्य शास्त्र का जब उन्होंने विवेचन और विश्लेषण किया तो जो रथ सिद्धांत है उसको आचार्य भरत मुनि के दृष्टिकोण से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक का जो दृष्टिकोण था, उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, जो सोच विचार थी, जो विचारधारा थी, उसके आधार पर उसकी समीक्षा उन्होंने किया। बतौर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का कहना है, कालिदास की लालित योजना जो इनकी किताब है, आलोचना विवेक की प्रतिमान कृति है। प्रतिमान मतलब होता है नमूने या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉपी है। तो कालिदास की लालित योजना जो इनकी कृति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वह हिंदी आलोचना का मापदंड है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा। प्रतिमान कृति है, मतलब बेस्ट है, उनका मास्टरपीस है, इनका कहना है। अब देखते हैं अलग अलग किताबों में किन किन बातों का विश्लेषण विवेचन और समीक्षा किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इनकी प्रसिद्ध कृति है, इसमें द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर शोध परक विश्लेषण किया है, क्योंकि जैसे जैसे शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, नई नई सामग्री सामने आ रही है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने उस नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसका क्या किया, शोध परक, मतलब उस पर रिसर्च किया और उसका विश्लेषण किया, उसकी आलोचना की। नाथ संप्रदाय उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, इसमें सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों पर गंभीर विचार व्यक्त किए गए। तो सिद्धों और नाथों की जो साहित्यिक कृतियां थी, जो उपलब्धियां थी, इस पर इन्होंने गंभीर विचार विवेचन किया। ये इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये धार्मिक कृतियां हैं तो इनको काहे में साहित्य के उसमें इनका विश्लेषण करूं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने इनकी उपलब्धियों को सामने लाने में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर साहित्य इनकी बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है, ये इनकी आरंभिक आलोचनात्मक कृति है, शुरुआत में इन्होंने इसके बारे में लिखा था। और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार द्विवेदी जी सूरदास की विरह भावना को वैष्णव मधुर भावना से जोड़कर उसे अखिल भारतीय साहित्यिक आयाम ही नहीं प्रदान करते बल्कि उसे सामाजिक मांगल्य इच्छा से पूरित करते हैं। मतलब सूरदास जी की जो विरह भावना है, विरह भावना के जो वर्णन करते हैं सूरदास जी, गोपियों की विरह का जो जैसे वर्णन करते होंगे वो, तो इन्होंने वैष्णव की मधुर भावना से जोड़कर देखा। वैष्णव मधुर भावना मतलब कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण भगवान कृष्ण को प्रियतम समझकर जो वैष्णव भक्ति में मधुर भावना से जोड़ा जाता है ना, बहुत कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है। तो सूरदास जी की विरह भावना को उन्होंने वैष्णव धर्म के मधुर भावना से जोड़ा है और इस प्रकार उसने इसे अखिल भारतीय साहित्यिक आयाम प्रदान किया है। सूर साहित्य को अखिल भारतीय स्तर पर महत्व प्रदान किया है और इसे समाज की मंगल कामना की एक पूर्ति होती है, लोगों का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक समीक्षात्मक निबंध भी हैं, विभिन्न निबंध संग्रह में जो संग्रहित हैं, जिससे उनकी तल स्पर्शी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है। तो ये केवल आलोचक ही नहीं थे, इतिहास लेखक थे, आलोचक थे, निबंध लेखक थे। निबंध लेखन में भी इनको बहुत ज्यादा सफलता मिली है और उनके निबंध बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मतलब उसमें भावनाओं की गंभीरता और गहराई है और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि का भी परिचय हमको मिलता है। तो आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको सारी चीजों को बता रहा हूं, और यदि आप पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको और कोई किताब रिफर करने की या फिर कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके महत्वपूर्ण बिंदु पर भी मैं चर्चा करूंगा, पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं इनकी किताबों में इन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसी इनकी आलोचना रही है। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय आदि कृतियों का गहराई से मूल्यांकन करने पर उनकी समीक्षा दृष्टि की एक प्रमुख विशेषता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और वह यह है कि उनकी समीक्षा शोध के सहारे चलती है। मतलब आप उनके किसी भी आलोचनात्मक ग्रंथ का आप अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तब आप पाएंगे कि उनकी जो आलोचना है वह किस पर आधारित है, पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है, शोध पर आधारित है। मतलब उन्होंने अपने मन से कोई बात नहीं कहती, जो तथ्य उपलब्ध हुए, जो प्रमाणित ग्रंथ उपलब्ध हुए, जो नवीन अनुसंधान हुए, तो उस पर उन्होंने गहराई से जाकर उनका छानबीन किया, उनका अनुसंधान किया और उसके बाद उन्होंने आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। अभी क्या है, पीएचडी स्कॉलर जैसे करते हैं, कुछ कुछ यहां से ले लिए, कुछ वहां से लिए, कुछ इधर से कॉपी कर लिए, उधर से कॉपी कर लिए और रिसर्च स्कॉलर बनकर पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टर लिखने लगते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गहराई पर जाकर उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने अपनी आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। आलोचना के मूल बिंदुओं की खोज उनकी प्राथमिकता होती है। मतलब जब वो किसी कृति की समीक्षा करते हैं तो पूरी गहराई तक जाते हैं, उसके बारे में जितनी भी उपलब्ध सामग्री है उसका गहन अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तब वे आलोचना करते हैं। उनकी दृष्टि शोध कार्य में रम जाती है और वे प्राचीन से लेकर अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक या नया,
ग्रंथों में उनके प्रमाण ढूंढने लगते हैं। तो क्या है, जब किसी कृति की आलोचना करते हैं तो जितने भी उससे संबंधित प्राचीन कृतियां हो या फिर नई कृतियां हो, उन सब का गहन अध्ययन करते हैं, छानबीन करते हैं। और वे जो बात कहना चाहते हैं, पहले जब प्रमाण के रूप में उन्हें कुछ प्रमाण उपलब्ध होता है, कुछ प्रूफ मिलता है, तभी वे उसकी आलोचना लिखते हैं और आलोचना करते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी जी भारतीय साहित्य और संस्कृति, देखिए इनको कितना ज्ञान है, किन किन चीजों का ज्ञान है, उनका निबंध पढ़ेंगे, कुटज वगैरह जो भी, तो आप समझ में आ जाएगा आपको। भारतीय संस्कृति का उन्होंने गहन अध्ययन किया था, भारतीय संस्कृति और साहित्य का। संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं, अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं, लिहाजा उनकी शोध दृष्टि इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण, प्राच्य विद्या, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रजनन शास्त्र, नृतत्व शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, नीति शास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी का सहारा लेती है। मतलब इनकी जो आलोचना को यदि आप पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं इनसाइक्लोपीडिया है। मतलब एक विश्वकोश है, इतनी जानकारी, इतना ज्ञान है। और आप इनके निबंधों को पढ़ेंगे, इनके आलोचनात्मक कृतियों को पढ़ेंगे, तो विभिन्न विषयों से ये तथ्य लेते हैं, उनका भी सहारा लेते हैं। इस तरह उनकी समीक्षा मुख्य रूप से अनुसंधान परक समीक्षा है। कैसे समीक्षक है? अनुसंधान परक, जो रिसर्च करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यह इनकी मुख्य विशेषता है, अनुसंधान परक समीक्षा है इनकी। और उनकी आलोचना की एक विशेषता व्याख्यात्मकता भी है। मतलब वे खाली आलोचना ही नहीं करते, बल्कि वो जो बात करते हैं उसकी व्याख्या भी करते हैं। या किसी कवि की आलोचना कर रहे हैं तो कवि की जो पंक्तियां हैं उनको, उनकी व्याख्या करते हुए भी चलते हैं। तो यह इनकी बहुत बड़ी बात है। नंदकिशोर नवल नाम के जो विद्वान है, उनका यह कहना है कि जहां तक आलोचक के रूप में उनकी प्रवृत्ति का प्रश्न है, वे समन्वयवादी है। तो कैसे समन्वयवादी है? मतलब जो हमारे प्राचीन हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, प्राचीन विश्वास हैं, धर्म है, कर्मकांड है, उनको आज की हमारे आधुनिक जो विश्वास हैं, आधुनिक मान्यताएं हैं, आधुनिक जो रिसर्च है, आधुनिक जो किताबें हैं, उनसे जोड़ते हैं। मतलब प्राचीनता और आधुनिकता का बहुत ही गंभीर समन्वय है उनके अंदर, दोनों का समन्वय करते हैं। वे ऐसा है, कोई ऐसे उस टाइप बुजुर्ग व्यक्ति के टाइप नहीं है जो सिर्फ परंपरा की बात करेंगे, प्राचीन बातों पर निर्भर रहेंगे, बल्कि प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का ही समन्वय इनकी आलोचनात्मक कृतियों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार नंदकिशोर नवल जी कहते हैं कि यह समन्वयवादी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साहित्यकार का दायित्व तो क्या है बता रहे हैं यहां पर, छोटा लेखक हो या बड़ा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो वही है। मतलब कोई भी लेखक है, चाहे छोटा लेखक हो बड़ा लेखक हो, समाज के प्रति उसे जिम्मेदार रहना चाहिए, समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसे संसार की वर्तमान समस्याओं को ठीक से समझना चाहिए और शांत चित्त से सोचना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्यत्व के लक्ष्य तक ले जाने में कौन कौन सी शक्तियां सहायक हैं और कौन कौन सी बाधक। फिर उसे सहायक शक्तियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करनी चाहिए और बाधक तत्वों के प्रति व्यक्ति। मतलब मनुष्य को मनुष्य के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए उसे यह मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीजें उसमें सहायक हैं, कौन सी चीजें उसमें बाधक हैं। और जो मनुष्यता को बढ़ावा दे रहे हो, मतलब वे पूरे अखिल विश्व की मानवता के कल्याण के बारे में सोचते थे। उनका कहना था कि मानव के कल्याण के लिए हमको हर लेखक को सोचना चाहिए, और जो चीजें, जो बातें मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है और उसके लिए सहायक हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उसका अपने साहित्य में उल्लेख करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, और जो उसमें बाधक हैं उनके प्रति विरक्ति का भाव रहना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद साहित्य का नया रास्ता उनका एक निबंध है। इस शीर्षक अपने निबंध में द्विवेदी जी ने प्रगतिशीलता के नए मार्ग की ओर संकेत करते हुए दृढ़ शब्दों में कहा है कि अगर मनुष्य जाति को वर्तमान दुर्गति से बचना है तो इस मार्ग पर चलने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मतलब प्रगतिशीलता मतलब आधुनिकता, मतलब विचारों में व्यक्ति को आधुनिक होना ही पड़ेगा। आप अपनी परंपराओं और रूढ़ियों से चिपके रहेंगे तो क्या है, आपकी दुर्गति हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ रहा है ना, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हम विकसित होते जा रहे हैं, हमारी सोच विकसित होते जा रही है, तो उसी प्रकार यदि मनुष्य जाति का वर्तमान दुर्गति से बचना है तो उसको प्रगतिशील रास्ता चुनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नए विचारों का स्वागत करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई हमारे पास मार्ग नहीं है। शोषित और पीड़ित जनों के उद्धार को वे साहित्य का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, और साहित्य के सभी प्रश्नों का उत्तर वे उन्हीं को ध्यान में रखकर प्राप्त करने पर बल देते हैं। उनका कहना है कि साहित्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, साहित्य का सबसे महान लक्ष्य, महान उद्देश्य क्या है,
कि साहित्य के माध्यम से जो शोषित और पीड़ित जन है, जो शोषित और पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका उद्धार होना चाहिए और इसी के आधार पर वे साहित्य के सभी प्रश्नों का उत्तर इन्हीं के उद्धार में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मतलब उनका कहना है कि साहित्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शोषित और पीड़ित जनों का उद्धार होना चाहिए। तो इनकी आलोचना की ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं ध्यान में रखिए। इस प्रकार द्विवेदी जी मुख्यतः शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या कहते थे, लोक मंगल की भावना को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, लोक कल्याण लोक मंगल की भावना को, है ना। किंतु उनका मुख्य क्षेत्र साहित्य इतिहास और अनुसंधान आलोचना नहीं। इसके बावजूद भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम कह सकते हैं कि उनका मुख्य क्षेत्र क्या है, साहित्य का इतिहास लेखन है और अनुसंधान है, रिसर्च है। मुख्य रूप से हम वे आलोचक नहीं है, आलोचना उनका मुख्य क्षेत्र नहीं है। होता है कि इतिफाक से वे यहां पर आ गए हैं, इसलिए वे आलोचना को न तो सिद्धांत के क्षेत्र में सुसंगत रूप में वैज्ञानिक परिणति तक ले जा सके और न व्यवहार के क्षेत्र में। इतना महान आलोचक होने के बावजूद भी मतलब एक व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती कि वैज्ञानिक परिणति तक नहीं पहुंचा सके और व्यवहार के क्षेत्र में वे बहुत ज्यादा सफल आलोचक इसमें नहीं कर सकते इनके हिसाब से, क्योंकि आलोचना करना उनका मुख्य काम नहीं है, वे सिर्फ एक इतिफाक से आलोचक है। वास्तव में उनका मुख्य क्या है, साहित्य मुख्य कार्य साहित्य का इतिहास लिखना और अनुसंधान करना। इसके बावजूद भी उनकी महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही वे वैज्ञानिक परिणति तक नहीं पहुंचा पाए। वैज्ञानिक परिणति मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान अग्रगण्य है। तो इस प्रकार उनकी आलोचना कैसी, अनुसंधान पर आलोचना है, मानवतावादी आलोचना है और ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में वे भी टॉप पर है, अग्रगण्य है। उनकी समीक्षा का आधार फलक मानवतावादी होने के कारण अत्यंत विस्तृत है और उनका व्यक्तित्व तो उसके संभालने योग्य पंडित सहानुभूति तथा कल्पना आदि गुणों से संपन्न है। मतलब उनके व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण है, एक तो बहुत ज्यादा पंडित, बहुत ज्यादा विद्वान है, सहानुभूति है लोगों के साथ और उनमें कल्पना तत्व भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। अब मानवतावाद क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मीनिंग, क्योंकि आप लोग डिक्शनरी तो देखते नहीं है, इसे मुझे खोज खोज के यहाँ पर मीनिंग लिखना पड़ता है, शब्दकोश देखने की आप आदत डाल लीजिए। तो मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, वह वाद जिसमें संसार के सभी मनुष्यों की मंगल कामना का विधान हो। मानवतावाद मतलब जिसमें विश्व के सभी लोगों के कल्याण की कामना की गई हो उसे कहा जाता है, और उसमें कार्य किया जाता हो उसे कहा जाता है मानवतावाद। अब डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी भी सही कहते हैं, ये इनका स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आज भी कितने प्रासंगिक हैं और कितने महान व्यक्तित्व हैं उनका। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सही कहते हैं कि शुक्ल जी के बाद, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, हिंदी पाठकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों और आलोचकों की दृष्टि और रुचि पर जितना अधिक प्रभाव द्विवेदी जी की कृतियों का पड़ा है उतना किसी आलोचक का नहीं है। आप समझ सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जितना प्रभाव है हमारे ऊपर, हमारे प्रोफेसर्स के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, उतना ही प्रभाव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कई बातों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से असहमत भी होते हैं। रसग्राहिता द्विवेदी जी की सबसे बड़ी शक्ति है। रसग्राहिता मतलब रस को ग्रहण करना, साहित्य के काव्य के रस को ग्रहण करना। और यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि आलोचक की भी सबसे बड़ी कसौटी यही रसग्राहिता ही है। एक अच्छा आलोचक कौन होता है, जो किसी साहित्यिक कृति अथवा काव्य के रस को ग्रहण करता है और केवल वह स्वयं ही रस को ग्रहण नहीं करता बल्कि उस आलोचनात्मक कृति को पढ़कर जो पाठक होता है वह भी उस रस का भागी बनता है, उस रस को महसूस कर पाता है, उस आनंद को महसूस कर पाता है जिसको आलोचक ने महसूस किया है। यह आलोचक का सबसे बड़ा दायित्व है। तो कबीरदास, सूरदास, कालिदास और अपभ्रंश साहित्य पर लिखी गई रचनाओं में द्विवेदी जी की रस ग्राहिता के प्रचुर प्रमाण मिलेंगे। और जब वे कबीरदास जी की आलोचना करते हैं, सूरदास जी की आलोचना करते हैं, कालिदास जी की आलोचना करते हैं या अपभ्रंश साहित्य पर बात करते हैं तो वे उस रस को ग्रहण करते हैं अपनी आलोचना में। न केवल वे रस को ग्रहण करते हैं बल्कि आज जब हम उनकी आलोचनात्मक कृतियों को पढ़ते हैं तब हमको उसी भी आनंद और आह्लाद का अनुभव होता है जिसका अनुभव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी किया होगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे शब्द कभी आपको कठिन लगते हैं तो आपको डिक्शनरी देखने की आवश्यकता है, शब्द को देखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो स्वाभाविक शब्द है, हो सकता है कि वो आपके लिए कठिन हो। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जैसे ये बड़े बड़े जो राइटर हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके आप निबंधों को पढ़ें और बार बार शब्दकोश देखने की आदत डालें। जितना अच्छा आपका शब्दकोश होगा उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे, उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे।
तो हिंदी साहित्य के यदि आप छात्र हैं तो जीवन भर आपको शब्दकोश बार बार देखना चाहिए। इसकी आपकी न केवल शब्द संपदा समृद्ध होगी बल्कि आप जहां कहीं भी कुछ लिखेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर बोलेंगे तब यह आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा, लोगों को दिखाई देगा कि यह आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्तित्व व्यक्ति है। तो द्विवेदी जी की जो प्रतिष्ठा है एक आलोचक के रूप में जितनी है उससे अधिक उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में। तो द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा एक आलोचक के रूप में है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा कहां पर है, उपन्यासकार के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और निबंधकार के रूप में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहां पर शामिल कर लिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारु चंद्रलेख, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और इनके प्रख्यात निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कुटज, ये इनके प्रख्यात निबंध संग्रह हैं, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। और इनके द्वारा लिखे हुए कुछ ग्रंथ और हैं, मृत्युंजय रविंद्र तथा महापुरुषों का स्मरण भी इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। तो मेरा जो लेक्चर होता है केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक से भले रिलेटेड नहीं रहता है लेकिन उसके साथ ही मैं पहले समानांतर बहुत सारी चीजों को बताते हुए चलता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरे जो लेक्चर्स होते हैं न केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बल्कि परीक्षा में अच्छे उत्तर लिखने के लिए भी आपके लिए जरूरी होते हैं। इसके साथ में मैं आपको बीच बीच में कुछ अच्छी बातें बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आप साहित्य के एक अच्छे छात्र के रूप में आगे बढ़े और साहित्य को पढ़े नहीं बल्कि उसकी संवेदना को केवल ना पढ़े बल्कि उसकी संवेदना को भी महसूस करें, है ना। इसलिए मैं आपको बीच बीच में सारी बातें बताते रहता हूं। खाली पढ़ के परीक्षा पास नहीं करना है, आपको एक योग्य और काबिल व्यक्ति भी बनना है जीवन में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का उनके सुपुत्र डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी ने संपादन किया है। तो इनकी पूरी ग्रंथावली है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनके पुत्र भी इतने विद्वान व्यक्ति के पुत्र भी तो विद्वान होंगे, तो इनके पुत्र डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी ने इनका संपादन किया है। अभी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्राय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है ना, ये जो बता रहा हूं। उनके सबसे प्रिय शिष्य प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण नाम से द्विवेदी जी के जीवन और रचना संसार पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्योमकेश दरवेश कि यह किसके ऊपर लिखा गया है और किसकी रचना है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्योमकेश दरवेश है ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है, इनके शिष्य ने लिखा है प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिए पूरी तरह से। यह भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न। इसी तरह की पुस्तक उनके दूसरे शिष्य नामवर सिंह, बहुत ही प्रख्यात आलोचक है नामवर सिंह, इन्होंने किताब लिखी है दूसरी परंपरा की खोज शीर्षक से। और दूसरी परंपरा की खोज भी किस पर आधारित है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और उनके काव्य और उनके साहित्य पर यह प्रेरित है, उनकी आलोचना पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कह दिया है। और उनका कहना क्या है, उन्होंने वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता स्वीकार की थी, मतलब उन्होंने आदिकाल या वीर गाथा काल में जो वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर उसे वीर गाथा काल कहा। लेकिन इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, धार्मिक साहित्य की उन्होंने उपेक्षा कर दी कि धार्मिक साहित्य को उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसका विधिवत अध्ययन कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह प्रतिपादित किया कि धार्मिक भावना साहित्य की विरोधी नहीं है तथा आध्यात्मिक होने से कोई ग्रंथ साहित्य से बहिष्कृत नहीं हो जाता। तो जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथों के साहित्य के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया कि यह साहित्य थोड़ी है तो धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था ठीक है धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है कहकर हम उसको साहित्य से अलग थोड़ी कर देंगे। जैसे रामचरितमानस है वो भी तो धार्मिक ग्रंथ है लेकिन हमारे हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है, तो वैसे ही उन्होंने कहा। तो इस प्रकार कुछ बातों में वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से असहमत भी थे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था भक्ति काल का प्रादुर्भाव क्यों हुआ था, क्योंकि मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था जिसके कारण जो भारतीय जनमानस है जो हिंदू जाति है पराजित हो चुकी थी और हताशा और निराशा के कारण भगवान के शरण में जाने के सिवा उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि यदि भारत में मुगल नहीं आए होते मुसलमान नहीं आए होते उसके बावजूद भी जो हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल का जो हमारे हमको जो प्राप्त हुआ है वह वैसे ही होता जैसा आज हमको उपलब्ध हुआ है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इन्होंने पराजित हिंदू जाति की निराशा का परिणाम नहीं माना है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वैसा मानते हैं। तो बहुत सारी बातों से वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से असहमत थे, ठीक है। तो इन्होंने जो धार्मिक कृतियां हैं इसको भी इन्होंने साहित्य के अंतर्गत शामिल किया है और उनकी आलोचना की है। तो वे यह भी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से पूर्व हमें, मतलब आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से पूर्व हमें जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तंत्र साहित्य, नाथ साहित्य, वैष्णव साहित्य, पुराण, आगम ग्रंथ तथा लौकिक कथाओं का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए, तभी हम विभिन्न कलों के साहित्य को समझ सकेंगे। तो इन्होंने जो धार्मिक साहित्य था, जो धार्मिक ग्रंथ था, उसे भी साहित्य के अंतर्गत शामिल किया, हिंदी साहित्य के अंतर्गत, और इन्होंने उसकी भी आलोचना की। बोलना कि पहले हमको अपनी पृष्ठभूमि को तो देखना पड़ेगा, किस पृष्ठभूमि के आधार पर हमारी आज हमारा आज का साहित्य निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार इन्होंने इनको भी पर्याप्त महत्व प्रदान किया है। और विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि शुक्ल जी अपने वैष्णव संस्कारों, वैष्णव धर्म के मानने वाले होंगे, वैष्णव संस्कार और रसवादी दृष्टि, रसवादी समीक्षक माने जाते हैं, एवं लोक मंगलकारी विचारधारा, तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो लोक मंगल को वे साहित्य का मुख्य लक्ष्य या प्रयोजन मानते हैं। इस विचारधारा के कारण वे उतने तटस्थ आलोचक नहीं बन पाए जितने की एक साहित्य के इतिहासकार के लिए अपेक्षित होती है। मतलब साहित्य का जो इतिहासकार है उसको तटस्थ रहकर इतिहास लिखना चाहिए, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उतने तटस्थ नहीं हो पाए, जबकि द्विवेदी जी में वह तटस्थता थी, इसीलिए वे कबीर की आलोचना में कबीर के साथ न्याय कर पाए। जबकि द्विवेदी जी क्या है, तटस्थ आलोचक थे, मतलब वे अपने संस्कारों को अपनी आलोचना पर हावी नहीं होने देते थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए वे तुलसीदास को महानतम कवि घोषित करते हैं और कबीर के साथ वे न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि वे सभी कवियों को उसी मापदंड से परखते हैं जो मापदंड उन्होंने तुलसीदास में पाया है। अब आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, चाहे वे संस्कार देशगत हो या कालगत। मतलब यदि आप किसी काव्य की समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो आपके जो निजी विचारधारा है, आपके जो निजी संस्कार है, उससे बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके किसी विदेश की कविता का अध्ययन कर रहे हैं, पाश्चात्य काव्य वेस्टर्न कंट्रीज की किसी कविता का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको अपने देश काल परिस्थिति विचारधारा से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप उसकी सही ढंग से आलोचना कर पाएंगे, है ना। आप अपने संस्कारों को यदि हावी होने देंगे या फिर अपने राष्ट्रीय विचारधारा को या जिस विचारधारा से आप प्रेरित हैं, तो कभी आप अच्छे समीक्षक नहीं हो सकते। आचार्य द्विवेदी की मान्यताएं सुस्पष्ट एवं दृढ़ आधारों पर टिकी हुई है, मतलब हवा में बात नहीं करते बल्कि दृढ़ आधार है, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर वे बात करते हैं। उनका कहना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेंटेंस है और यह प्राय परीक्षा में आता है, साहित्य की समीक्षा वे मानववादी दृष्टिकोण से करने के पक्षधर हैं। उनके अनुसार मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूं, मतलब साहित्य कैसा होना चाहिए, साहित्य के माध्यम से लोगों का कल्याण होना चाहिए, विश्व मानवता का कल्याण होना चाहिए, उसमें अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए, है ना, उनके दुख और दर्द दूर होने चाहिए, उनका शोषण दूर होना चाहिए। तो इस प्रकार वे साहित्य को मानवतावादी दृष्टिकोण से देखने के पक्षधर है, मतलब वे मानवतावादी आलोचक हैं। अब ये जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ये चीज आ गई है ना, अभी तक आप इसका इंतजार करेंगे, मैं इतने देर तक आपको बता के आ रहा हूं। तो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी, अब उसको मैं यहां पर समराइज कर रहा हूं पॉइंट वाइज, तो आप जितना समय है उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना होता है, जितना समय आपके पास है, क्योंकि मैं तो आपको डिटेल में पूरी चीजें बता देता हूं ताकि आपके सामने एक पृष्ठभूमि बन जाए, आप बातों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाए, इसलिए मेरे लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग समझ पाते होंगे कि मैं जितनी बातें आपको बताता हूं, यदि आपने इसको आत्मसात कर लिया तो बहुत ही शानदार उत्तर लिखकर आ सकते हैं, और किसी भी परीक्षा में जो तर्क पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वे बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। अभी तक हमने जो बातें की, अब उनको हम बिंदुवार यहां पर देखेंगे। पहला तो यह है कि आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर समीक्षक हैं। आप मेरे हिंदी आलोचना का उद्भव विकास में आप जाकर देखेंगे, पूरा आलोचना के ऊपर मेरी सीरीज है, यह भी उसी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा हिंदी आलोचना में, आलोचना वाले में। तो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर समीक्षक हैं। यह समीक्षक और आलोचक सब एक ही चीज है, ध्यान में रखिएगा, समीक्षा, आलोचना और समालोचना तीनों एक ही शब्द है। तो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर समीक्षक हैं अथवा आलोचक हैं। उनकी समीक्षा पद्धति किससे प्रेरित है, इतिहास से प्रेरित है, इतिहास का गहन अध्ययन उन्होंने किया है, संस्कृति पर आधारित है,
प्राचीन वाङ्मय, प्राचीन साहित्य का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और इन सबके गहन अध्ययन से उनकी समीक्षा पद्धति प्रेरित है। ठीक है ना, तो उन्होंने जो समीक्षा की है, जो आलोचना की है, वह इतिहास पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है, प्राचीन साहित्य पर आधारित है, इनके अध्ययन पर इससे प्रेरित है। इसके बाद दूसरा है, इनको किस प्रकार का आलोचक माना जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ऐतिहासिक एवं समाज शास्त्रीय समीक्षा पद्धति का अग्रणी आलोचक माना जाता है। द्विवेदी जी साहित्य को सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंश मानते हैं, वह ऐतिहासिक आलोचक है। इसी कृति की आलोचना में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक कालखंड को ध्यान में रखकर, उस समय जो जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखकर आलोचना करते हैं। उस समय का समाज कैसा था, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी वे देखते हैं, समाज में किस प्रकार की विचारधारा थी, किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां थी, और वे सांस्कृतिक जीवन को भी देखते हैं, किस प्रकार का सांस्कृतिक जीवन था। ठीक है, और आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी की समीक्षा पद्धति में, आलोचना पद्धति में क्या क्या हमको दिखाई देता है? इतिहास मिल जाता है, समाज शास्त्र मिल जाता है, और मानववाद और संस्कृति, ये सारी बात इनकी आलोचना इन सभी बातों पर आधारित है। इतिहास पर, समाज शास्त्र पर, मानववाद पर, जो मानवतावाद में बता चुका हूं, और संस्कृति, इन सभी के आधार पर वे किसी कृति की आलोचना करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है कि साहित्य की समीक्षा तटस्थ भाव से करनी चाहिए। काव्य की आलोचना करते समय समीक्षक को अपने देशगत एवं कालगत संस्कारों से मुक्त रहना चाहिए। मतलब जो समीक्षा है, जो समीक्षक है, जो आलोचक है, उनका पूरी तरह से तटस्थ रहना चाहिए। उनकी खुद की विचारधारा, उनके राष्ट्रीय विचारधारा, जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, जिस कालखंड में पैदा हुए हैं, उस विचारधारा से प्रेरित नहीं होना चाहिए और अपने संस्कारों से भी मुक्त होना चाहिए। जैसे कोई हिंदू व्यक्ति है, कोई हिंदी आलोचक है, किसी मुसलमान कवि की आलोचना कर रहा है, तो उसका हिंदू धर्म उस पर हावी नहीं होना चाहिए। इसी बार कोई मुसलमान कवि है या फिर कोई मुसलमान आलोचक है, तुलसीदास जी की आलोचना कर रहे हैं, तो उनकी जो धार्मिक भावना है, तो उस संबंध में उनको तटस्थ रहना पड़ेगा। तो एक जो आलोचक होता है, धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, कालगत संस्कारों से मुक्त रहना चाहिए, तभी वह तटस्थ भाव से आलोचना कर सकता है, उसके निजी संस्कार हावी नहीं होने चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कहना है। पांचवा, वे साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षधर हैं। मनुष्य की दृष्टि से मतलब कि वह क्या साहित्य मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, उसके लिए उपयोगी है, उसके काम का है। साहित्य का प्रमुख कार्य क्या है? हमारी आत्मा को तेज संपन्न बनाना तथा हमें पर दुख कातर एवं संवेदनशील बनाना है। मैं आपको बता चुका हूं साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य को हमको केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि साहित्य के में जो संवेदना है, उस संवेदना को, उस फीलिंग्स को, इमोशंस को हमको महसूस करना है। तो साहित्य का कार्य क्या है? हमारी आत्मा को ऊपर उठाना, हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को, हमारी आत्मा को श्रेष्ठ बनाना, और हमें दूसरों के दुख को महसूस करने का हमारे हृदय में और संवेदना उत्पन्न करना, हमारे मन में वह भावना उत्पन्न करना कि हम पर दुख कातर, दूसरों के दुख को देखकर हम कातर हो जाएं, हमारे मन में उसके लिए कुछ कर गुजरने की कुछ भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूं। दूसरों के दुख से दुखी होने की भावना होनी चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को। तो साहित्य का यह उद्देश्य होता है कि मनुष्य को वह संवेदनशील बनाए और इन गुणों का विकास करे। अब द्विवेदी जी ने धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य को साहित्य क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं किया, धार्मिक भावना को वे साहित्य विरोधी नहीं मानते हैं। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो धार्मिक जो ग्रंथ है उनको उन्होंने साहित्य के अंदर शामिल करने उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब महत्व प्रदान नहीं किया, लेकिन इन्होंने चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांप्रदायिक साहित्य हो, सभी को इन्होंने साहित्य में शामिल किया है, उसको बाहर नहीं किया है। तो वे धार्मिक भावना साहित्य के विरोधी नहीं है इनके हिसाब से, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। द्विवेदी जी ने भारतीय समाज में विभिन्न कालों में आकर घुल मिल जाने वाली जातियों, धर्मों, राजनीतिक विचारधाराओं, रीति नीति का समाज शास्त्री विश्लेषण हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए करना आवश्यक माना है। तो इनकी समीक्षा दृष्टि क्या है, किस बात पर आधारित है? कि हमारे देश में विभिन्न कालखंड में बाहर से विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी आए, विदेशी लोग आए और यहां पर शामिल हो गए, घुल मिल गए भारतीय जाति में, है ना। तो इनका जो मिलाप हुआ है उसका भी उन्होंने समाज शास्त्री विश्लेषण किया है कि वे किस प्रकार हमारे राष्ट्र में आकर वे घुल मिल गए। तो साहित्य की समीक्षा के लिए उन्होंने यह भी देखना जरूरी किया कि बाहर से जो विदेशी आए या आक्रमणकारी आए, हमारे देश में आकर रच बस गए, जो वापस नहीं गए, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार का साहित्य लिखा गया उस कालखंड में, है ना। किस प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारधाराएं उस समय थी, परिस्थितियां थी, साहित्य की समीक्षा के लिए उन्होंने उसको आवश्यक माना है। और द्विवेदी जी संतुलित दृष्टि के समर्थक रहे हैं।
उनके अनुसार संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि है जो एक और सत्य की समग्र मूर्ति को देखने का प्रयास करती है, तो दूसरी ओर वह सदा अपने को सुधारने व शुद्ध करने को प्रस्तुत रहती है। मतलब उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है कि एक अच्छा दृष्टिकोण क्या होता है, सत्य की खोज करने वाला दृष्टिकोण क्या होता है। एक तरफ तो उसको पता है कि यह सत्य है, क्या सत्य है और क्या क्या गलत है और क्या सही है उसको पता होता है ना, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। और दूसरी ओर यदि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने का हमेशा प्रयास करना है, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। मतलब दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, कि उसको सत्य का अनुमान होना चाहिए कि यह सत्य है या सही है या गलत है, और दूसरा यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करने का, उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए निरंतर। इस दृष्टिकोण को बोलते हैं सत्यान्वेषी दृष्टिकोण, सत्य का खोज करने वाला दृष्टिकोण। अब नवाय द्विवेदी जी की धारणा है कि साहित्य के समीक्षक को सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, पूर्वाग्रह मतलब प्रिजुडिसेस, किसी के बारे में कोई विचारधारा हम बना लेते हैं भले वो सही हो या गलत हो, एवं दुराग्रहों से मुक्त रहना चाहिए। मतलब कई बार हम दूसरों के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं, दुराग्रह, तथा सभी प्रकार तरह के विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना। हमको विभिन्न प्रकार के विचारों को ग्रहण करना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए, तो इस प्रकार हमको इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। इसके बाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक समीक्षाओं में ज्ञान विज्ञान के विविध स्वरूपों का प्रयोग किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने प्रयोग किया है, ज्ञान के जो अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग विषय थे, उसके भी उन्होंने अपनी समीक्षाओं में शामिल किया है, बता चुका हूं मैं आपको, समाज शास्त्र वगैरह जो भी है। वे मानते हैं कि साहित्य लोक मंगल का विधायक है, लोक मंगल का विधायक मतलब साहित्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए, लोगों में लोगों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। साहित्य का प्रयोजन मतलब साहित्य का उद्देश्य वे मानव एवं समाज का हित साधन करना स्वीकार करते हैं। उनका क्या कहना है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, साहित्य के द्वारा मानव का कल्याण होना चाहिए, मानव का हित साधित होना चाहिए और समाज का भी कल्याण होना चाहिए। वे कहते हैं साहित्य सामाजिक मंगल का विधाता है, मतलब साहित्य लोगों के कल्याण करने वाला प्रमुख तत्व है, है ना। साहित्य सामाजिक मंगल का निर्माण करने वाला, लोगों का निर्माण करने वाला है, लोगों का कल्याण करने वाला है, वही साहित्य है। और द्विवेदी जी की समीक्षा पद्धति गवेषणात्मक है। अब गवेषण मतलब क्या होता है देखिए, इसके लिए मैंने मीनिंग यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको टेंशन ना हो, ठीक है ना। गवेषण मतलब होता है खोज, अध्ययन या अनुसंधान। तो द्विवेदी जी की जो समीक्षा पद्धति है पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च पर आधारित है, खोज पर आधारित है, गहन अध्ययन पर आधारित है। हिंदी साहित्य के आदिकाल और मध्यकाल का जब उन्होंने मूल्यांकन किया तो उन्होंने प्राचीन नाथ साहित्य का, बौद्ध साहित्य का एवं जैन साहित्य का गहन अध्ययन किया। इनका कुशलता से उपयोग करते हुए इन्होंने नए तथ्यों की भी खोज की, तो इनकी आलोचना को पढ़ने पर हमको पता चलेगा। अब गवेषण मतलब होता है खोज और अध्ययन और अनुसंधान की जो प्रवृत्ति है उनकी समीक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है, देख लीजिए एक लाइन में, यदि हम कहें तो खोज अध्ययन और अनुसंधान की जो प्रवृत्ति है वह उनकी समीक्षा या उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है, ठीक है ना। अब ये 12वां पॉइंट है, आचार्य द्विवेदी जी की समीक्षाओं की भाषा, उनकी जो आलोचना की जो भाषा है वह परिमार्जित है, परिमार्जित मतलब शुद्ध है, साहित्यिक त्रुटियों से दूर है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है। इनकी जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है, तत्सम शब्दों का उन्होंने प्रयोग अधिक किया है, किंतु इसके बावजूद भी वे बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा बहुत डिक्शनरी तो देखना ही पड़ता है शब्दकोश, ठीक है ना। अब निष्कर्ष, अब ये निष्कर्ष लिखना आप किसी भी परीक्षा में बहुत ही जरूरी होता है, आप हमेशा ध्यान में रखें। एक तो प्रस्तावना लिखना होता है, प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा उत्तर लिखना आप चालू करते हैं। ये जो निष्कर्ष है, जब भी आप परीक्षा में चाहे यूपीएससी एग्जाम या किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, रिटर्न एग्जाम यदि दे रहे हैं चाहे कॉलेज की परीक्षा दे रहे हो, तो निष्कर्ष आपको जरूर लिखना चाहिए। और निष्कर्ष में कौन सी बातें आती है, ऊपर जो बातें आपने कही है, जो बातें आपने लिखी है उसको संक्षेप में यहां पर दोबारा लिख देना कहलाता है निष्कर्ष, लेकिन पूरा का पूरा आपको रिपीट नहीं करना है, कुछ बातों का यहां पर उसका उल्लेख करना है। तो देखते हैं शुक्लोत्तर समीक्षकों में आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न आलोचक माने गए हैं। यहां पर कोई एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वे एक नवीन दृष्टि लेकर अवतरित हुए जो परंपरा, शास्त्रीयता, आधुनिकता एवं समसामयिकता के मेल से निर्मित हुई है। तो इनकी विचारधारा है समन्वयवादी विचारधारा है, जो हमारी परंपरा, हमारे शास्त्र, हमारी आधुनिकता, हमारी प्राचीनता सबका समन्वय इन्होंने अपनी आलोचना में किया है। मतलब जितने प्राचीन जो हमारे संस्कार हैं उसको जितना इन्होंने महत्व प्रदान किया है उतने ही नवीन विचारधाराओं को उन्होंने पर्याप्त महत्व दिया है, और दोनों का इन्होंने सामंजस्य, दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया है, उनका समन्वय किया है। और ये
इनकी प्रमुख कृतियां हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियां जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनके गंभीर चिंतन एवं मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं, उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। तो इनका जो चिंतन है मौलिक है, जबकि शुक्लोत्तर आलोचक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो विचारधारा, कई बार उन्होंने उनका खंडन भी किया, उनका विरोध भी किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने प्रतिभाशाली आलोचक हुए हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ आलोचक, उनकी बात का खंडन करने का यदि किसी में साहस था तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, और इनका दृष्टिकोण भी मानवतावादी अधिक है, मानवतावादी आलोचक है। मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना मतलब सिद्धनाथ इत्यादि जो थे, एवं तद्युगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य इत्यादि का जो विश्लेषण विवेचन आलोचना किया है, इसमें इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृत वाङ्मय, वाङ्मय मतलब होता साहित्य का गंभीर अध्ययन मनन किया था। प्राचीन संस्कृत साहित्य का इन्होंने बहुत ही गहराई तक जाकर अध्ययन मनन चिंतन किया था, और इसकी झलक इनके निबंधों के साथ साथ इनकी आलोचनात्मक कृतियों में भी देखी जा सकती है, ठीक है ना। और शांति निकेतन में भी इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य किया था, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य पाकर, उनका सामीप्य पाकर उन्होंने विश्व के संबंध में नवीन दृष्टिकोण निर्मित किया, जिसने उनके चिंतन को व्यापक फल प्रदान किया। तो इतने इन महान व्यक्तित्व का जब सानिध्य मिला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, तब इसने इनके चिंतन को और ज्यादा विकसित किया, इनकी विचारधारा को और ज्यादा विकसित किया, व्यापक फलक प्रदान किया। और देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में ऐतिहासिक, ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में ऐतिहासिक एवं समाज शास्त्री पद्धति के समीक्षक माने जाते हैं। कैसे आलोचक हैं? ऐतिहासिक और समाज शास्त्री। उनका दृष्टिकोण कैसा है? उदार, सहिष्णु, मानववादी सांस्कृतिक बोध से युक्त है, जिसमें आदर्शवाद एवं सुधारवाद का पूर्ण अभाव है। यह कोई आदर्शवादी या सुधारवादी आलोचक नहीं है, बल्कि ये क्या यथार्थवादी आलोचक है, जिसमें सहिष्णुता है, मानवतावाद है, सांस्कृतिक बोध है, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है। उनकी समीक्षा पद्धति साहित्य को अपने में स्वतंत्र मानकर नहीं चलती, अपितु उसे संस्कृति की अखंड धारा का एक अंश मानती है। इनका कहना है कि ऐसा नहीं कि साहित्य कोई अलग चीज है या अचानक से कोई साहित्य किसी कालखंड में लिखा जाता है, बल्कि साहित्य किसका परिणाम होता है? जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसी का हिस्सा है साहित्य, है ना। कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि साहित्य उसी धारा का एक हिस्सा है। जैसे कोई नदी बह रही है, एक बाल्टी हम पानी निकाल लेते हैं तो बाल्टी का जो पानी वाला थोड़ी हो गया, वो नदी का ही पानी है। तो ऐसे ही साहित्य है, साहित्य जो है संस्कृति का ही हिस्सा होता है। अब डॉक्टर नामवर सिंह, इनका देखिए इनकी मान्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने अपने गुरु के ऊपर लिखा था, इनके शिष्य थे ये। डॉक्टर नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक ऐसे आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो शुक्ल जी की मान्यताओं से असहमत होने का साहस रखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने महान आलोचक हुए हैं, भारत के सभी आलोचक हुए हैं, और उनकी विचारधारा से, उनके द्वारा जो दिए गए स्थापनाएं हैं, उससे भी ये असहमत होने का जो साहस था, किसमें था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में था। उनकी धारणाएं तर्क एवं चिंतन पर आधारित हैं और इतनी सबल हैं कि पाठक स्वयं उनके निष्कर्षों का समर्थन करने को बाध्य हो जाता है कि भाई जिस प्रकार का तर्क देते हैं और जिस प्रकार का साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो पाठक बाध्य हो जाता है कि वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से सहमत ही होगा, उनसे असहमत नहीं हो सकता। इतने तर्कशील, इतने विद्वान है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा अनुसंधान करके किसी बात को उन्होंने लिखा है या आलोचना किया है। निश्चय ही हिंदी समीक्षकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उदार, सहिष्णु, वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न, संस्कृत परंपरा के मानववादी समीक्षक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। तो यह इनकी महानता है। ये आज भी हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उतने ही सम्मान के साथ स्मरण कर रहे हैं और उतने ही सम्मान के साथ उनके आलोचनात्मक कृतियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारी एक सोच, हमारी विचारधारा विकसित हो रही है हिंदी साहित्य को समझने में। तो निश्चित रूप से मेरा आज का प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।